死ぬもんじゃねえ。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 See this? No. See na baby. ये वाला अच्छा है या फिर ये pink वाला? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन black वाले में तुम ना ज़्यादा hot लगती हो. उसमें तो देख के मन कर रहा था कि. Shh. Mom घर पर ही है. फिर तुम आ जाओ ना मुझसे मिलने. कोई भी बहाना बनाकर. मेरे पास कोई बहाना नहीं है. सारे बहाने खत्म हो गए. मुझे नहीं पता. तुम कैसे भी करके मुझसे मिलने आओ. मुझे मिलना है बस तुमसे. यार shit. हेलो. हाँ उषा, कैसी है? अरे तुझे खुशखबरी देनी है. फाइनली सपना का रिजल्ट आ गया है और उसका दिल्ली में एक बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हो गया है. अरे वाह, तुझे और सपना को बहुत बहुत बधाई. आना कभी घर पे. हाँ आज ही आती हूँ. मिलते हैं फिर. हाँ हाँ हाँ. पढ़ाई कर रही थी ना? हाँ? फिर क्या है ये सब? ये फोन, ये कपड़े, क्या कर रही थी तुम? वो मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो शॉपिंग जा रही हूँ. अच्छा, कभी बर्थडे है, कभी कोई बीमार है, कुछ ना कुछ बहाना चाहिए बस तुम्हें बाहर निकलने का. मार्क्स देखा है अपना? ओफो मम्मा, अब ये शुरू हो गई. जब तक तुम कॉलेज का एंट्रेंस क्लियर नहीं कर लेती तब तक तुम कुछ नहीं करोगी. और आज से ये फोन और ये सोशल मीडिया सब बंद. मम, स्टॉप कंट्रोलिंग माय लाइफ. मुझे भी फिक्र है मेरी करियर की. मैं जा रही हूँ, शाम को आके बात करेंगे. चनारा, अगर तुम नहीं सुधरोगी तो. अरे मैंने तो ब्लैक बोला था ना पहनने को. शट अप, वैसे भी मम्मी ने दिमाग खराब कर रखा है. अरे चिल ना यार, दुनिया की सारी माँ एक जैसी होती हैं. एंड शी इज राइट, उन्हें फिक्र है तुम्हारी. वैसे भी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है. तुम्हें ही देखना था ना मुझे वीडियो कॉल पे सुबह सुबह. थोड़ा शांत रहो, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हम बात भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, और हाँ बड़े कॉलेज में एडमिशन भी होगा. फिर मम्मी से दूर किसी एक दूसरे शहर में खूब मस्ती करूंगी. ओ हेलो, मैं भी हूँ, दोनों साथ में एडमिशन लेंगे. अच्छा सुन, मेरी कोई पिक्चर क्लिक कर. सोशल मीडिया में बहुत दिन हो गया मैंने कुछ डाले हुए. यार तुम कैसे कैसे पोज में स्टोरी डालते हो, लोग देखा कैसे कैसे कमेंट करते हैं. क्यों, जलन होती है? मत पूछ यार, शनाया तो कुछ अलग ही ट्रैक पे निकल चुकी है. पढ़ाई में तो उसका मन ही नहीं लगता. समझ नहीं आ रहा है क्या करूं. तो तू विक्रांत सर के यहाँ उसको कोचिंग क्लास के लिए भेज, सब ठीक हो जाएगा. सपना का एडमिशन भी उन्होंने ही कराया दिल्ली में, वरना मेरिट में तो कहाँ कुछ था. ये विक्रांत है कौन? काफी फेमस कोचिंग सेंटर चलाते है यह. और तुझे बताऊ ना तो कोचिंग क्लास से अच्छी है प्राइवेट क्लास. इसमें बच्चे भी कम होते है और विक्रांत सर का स्टूडेंट पे पर्सनली ध्यान भी होता है. ठीक है तो मैं शनाया के लिए बात करूं क्या उनसे? मैं नंबर देती हूँ. हाँ देना. हेलो. नमस्ते सर, मैं रागिनी बात कर रही हूँ. मेरी बेटी के एडमिशन के लिए आपसे बात करना था. मार्क्स कितने उसके? जी 68%. देखिए हम 75% से ऊपर वालों को एडमिशन देते हैं. आप कहीं और ट्राई कीजिए. गुड लक. यार वो तो 75% के ऊपर वाले बच्चों को एडमिशन देते हैं. तू एक बार और ट्राई कर लेना, शायद मान जाए. ठीक है.
इसको तो मिलना ही पड़ेगा। उषा, सर का मैसेज आया है, उन्होंने आज ही बुलाया है। वो जो बोले ना वो मान लेना, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। हेलो सर, रागिनी, आज आपसे फोन पे बात हुई थी मेरी। ओ यस यस यस, एडमिशन के लिए ना? यस यस, प्लीज कम इन, प्लीज। थैंक यू। आइए प्लीज, हैव अ सीट। थैंक यू जी। चाय या कॉफी क्या लेंगे आप? जी नहीं सर, थैंक यू। क्या कह रही थी आप? ये मार्क्स तो बहुत कम है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, ऐसे बहुत से कमजोर बच्चों को मैंने पढ़ाया है और पढ़ा के अच्छे अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन कराया है। आजकल कॉलेज में एडमिशन बड़ा मुश्किल हो गया है, अच्छे मार्क्स के साथ साथ थोड़ी अंदर सेटिंग भी होनी चाहिए। सर शनाया का दिमाग बहुत शार्प है, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। सिंगल वर्किंग पेरेंट हूँ तो मैं भी उसका उस तरह से ध्यान नहीं दे पाती, तो मैंने सोचा कि अगर आप उसको पर्सनली गाइड करेंगे तो उसकी लाइफ सवर जाएगी। व्हाई नॉट, आप फिक्र मत कीजिए, बस जो मेरी फीस है आपको उसका ट्रिपल पे करना पड़ेगा। सर अभी तो मेरे लिए इतना फीस देना मुश्किल लग रहा है। लाइक कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा आपको, आप सोच लीजिए। वो जो बोले ना वो मान लेना, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। सर मैं फीस दे दूंगी, पर एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगी। देखिए लोन की बात नहीं हो रही है, मैं फीस की बात कर रहा था। मेरे ख्याल से आप मेरा और अपना वो दोनों जाहिर करें, आप जा सकती हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था, आई मीन कोई और सोल्यूशन नहीं है क्या? है, सोल्यूशन तो है, लेकिन आप कर नहीं पाएंगी। सर मैं जरूर करूंगी, मेरी बेटी के करियर का सवाल है सर, आप प्लीज बताइए ना। एक रात मेरे साथ गुजारनी होगी आपको। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए आपको ट्रिपल फीस भी नहीं देनी पड़ेगी उसके बाद, एक दिन का वक्त है आपके पास, सोच लीजिए, मर्जी आपकी है। देखिए शहर में बहुत सस्ते इंस्टीट्यूट हैं जो आपकी बेटी को एंट्रेंस के लिए तैयार कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन की गारंटी सिर्फ मैं दे सकता हूँ, बाकी आप देख लीजिए, मर्जी आपकी है। आपकी बेटी का करियर का सवाल है आखिर। सोल्यूशन नहीं है क्या? एक रात मेरे साथ गुजारनी होगी आपको। शनाया ये क्या है, और तुम पीकर आई हो? थोड़ा सा ही ट्राई किया था, सुमन का बर्थडे पार्टी था रिमेम्बर। शनाया तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे माँ हूं तुम्हारी मैं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने पीकर आने की? शनाया ऐसे तुम अपना फ्यूचर बर्बाद कर लोगी। फ्यूचर बर्बाद? कम ऑन मॉम, मेरी लाइफ है, मुझे पता है क्या करना है, और वैसे भी आपने मेरे लिए किया ही क्या है। सोने जा रही हूँ मैं अब।
हेलो मम्मा। अरे मम्मा अब कहाँ जा रही है इतनी रात को? मुझे तो बड़ा ज्ञान दे रही थी अभी आप। वो तेरी दीपा मासी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, और तू सो जाना, मुझे आने में लेट होगा। हेलो मॉम, घर पे नहीं है, तुम जल्दी घर आ जाओ। बस मैं आ रहा हूँ, वहीं वेट करो। बिल्कुल सही फैसला किया रागिनी, ये लो। जी नहीं, मैं नहीं पीती। ये भी ठीक है। एक बात कहूं सच्ची, मैं देख के कोई नहीं कह सकता कि तुम एक जवान बेटी की मां हो गई। सो ब्यूटीफुल। आपने जो चाहा मैंने किया, अब मेरी बेटी को अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। तुमने अपनी फीस दे दी ना, अब घर जाओ। वही बात तुम्हारी बेटी की, तो मैंने जिम्मेदारी ली है ना, मैं निभाऊंगा। ठीक। जो आपने मेरे साथ किया है, कहीं आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ? मैं हर किसी के साथ ये सब नहीं करता, टेंशन मत लो, आराम से घर जाओ। यार मम्मी, आपने मुझसे मिला मुझे मेरा एडमिशन करा दिया। मैं खुद से पढ़ लूंगी, नहीं जाऊंगी मैं किसी कोचिंग में। हाँ तो दिख ही रहा है कितना पढ़ती हो तुम। एडमिशन हो चुका है और मैं पूरी फीस भी दे चुकी हूँ, समझे तुम? ये सब मैं क्यों कर रही हूँ कि कहीं बड़े कॉलेज में सपना की तरह तुम्हें भी एडमिशन मिल जाए, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। मम्मा आपने फिर से अपना डिसीजन थोपना शुरू कर दिया मुझ पे। थोप नहीं रही हूँ मैं, तुम्हारा फ्यूचर संवारने की कोशिश कर रही हूँ। अब कोई बहस नहीं, जो बोल रही हूँ वो चुपचाप करो। हाय सर, मैं शनाया, वो मम्मी ने आपसे बात की होगी मेरी कोचिंग के लिए। शनाया, वेलकम। आओ सिट। सो शनाया, एक फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। शासन
myself Vikrant. लोग मुझे विक्रांत सर कहते हैं। आपको कौन नहीं जानता सर? I know मैं काफी horrible student हूँ, but I will try my best. मैं पढ़ना चाहती हूँ सर। मैं अपनी मम्मी को दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। That's great. So, start? Yeah. हम लोग decide करते हैं कि आज कहाँ से शुरू करना है। किताबें निकालो। Biology. Your favorite? Yeah. Oh, great. So, कहाँ तक आपने पढ़ाई कर ली अभी तक? किस चैप्टर तक आप? सेकंड तक सर। सेकंड किसका फोन था? वो फ्रेंड का सर। लुक शनाया, मुझे क्लास में डिस्टरबेंस पसंद नहीं है, सो कल से क्लास में तुम्हारा फोन नहीं बजना चाहिए। श्योर सर। चलो आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल। थैंक यू सर, पता ही नहीं चला 2 आवर्स कब खत्म हो गए। इट वाज सो अमेजिंग। आज तो पहला दिन था, आगे और भी मजा आएगा। बाय सर। हेलो उषा, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ पूछ। यार मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी शनाया को अकेले विक्रांत के पास भेज के? आई मीन लड़की जवान है और वो। अरे तू बहुत ज्यादा सोच रही है, सपना 2 साल तक विक्रांत सर के यहाँ पड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो 1 हफ्ते बाद नए स्टूडेंट भी ज्वाइन कर लेंगे प्राइवेट क्लास, और शनाया को साथ भी हो जाएगा। अच्छा सुन, सपना आज शनाया से मिलने आ रही है। ओके थैंक्स। हाँ अबू से कैसे बताऊं कि मुझे इतनी टेंशन क्यों हो रही है? अरे सपना तू अब आ रही है इतने दिनों बाद? तेरा एडमिशन क्या हो गया दिल्ली में? तू तो गायब ही हो गई। तुम तो रहने दो यार, तुमको जब भी कॉल करो तुम बिजी रहती हो। वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के क्या हाल है? तू मोहित को छोड़ ही दे, आजकल मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे है। चाय पी। आंटी चाय की क्या जरूरत थी? अरे बेटा तुम तो वैसे भी हमसे दूर जा रही हो तो सोचा थोड़ी खातिरदारी कर लूं। अच्छा शनाया, तुमने सपना को बताया कि तुमने भी विक्रांत सर के पास प्राइवेट क्लासेस ले रही हो? क्लास के टाइम पर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी ना? नहीं आंटी, विक्रांत सर और बाकी स्टूडेंट्स काफी सपोर्टिव है। शनाया की मासी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं 2-3 दिन के लिए वहाँ जाऊंगी, तो शनाया घर पे अकेले रहेगी तो तुम यहाँ पे आती रहना। ओहो मम्मी अब क्यों परेशान कर रहे हो इसे, कह तो दिया मैं रह लूंगी अकेले, बच्ची थोड़ी हूँ। आंटी आप टेंशन मत लो, मैं आती रहूंगी यहाँ पे। ठीक है तुम दोनों बातें करो, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। तुझे क्या हुआ? देख विक्रांत सर अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन तू एक बार और सोच ले, उनसे बहुत बेटर टीचर्स भी हैं। अरे क्यों, तेरी तरह मुझे भी कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, और वैसे भी मैं मम्मी से दूर रहना चाहती हूँ, और वो मेरा एडमिशन करा देंगे दिल्ली में। He's very cool.
डांसर. डन. हाँ, ग्रेट. अरे वाह, तूने बस इतनी जल्दी और एक बार में सॉल्व कर दिया पूरा. सर, आपने इतना अच्छे से समझाया इसीलिए जल्दी हो गया. अच्छा शनाया, पढ़ाई के अलावा और क्या हॉबीज है तुम्हारी? सर, मुझे पिक्चर क्लिक करना और डांस का बहुत शौक है. आई न्यू इट. मैंने तुम्हारा सोशल मीडिया देखा, काफी एक्टिव रहती हो. अच्छा, उसमें तुम्हारी काफी फोटोज है लेकिन डांस के वीडियोस वगैरह नहीं. सर, मेरे पास है, इफ यू डोंट माइंड. हाँ, दिखाओ. श्योर श्योर श्योर. ये वाला, ये बहुत अच्छा. यू आर सो टैलेंटेड. सर, एक सेल्फी ले लो. या श्योर. ऑलराइट सर, आई विल सी यू टुमारो. थैंक यू. अरे सपना, तुम? वो आंटी का कॉल आया था, तू उनका फोन ही नहीं उठा रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा तुझे देखने के लिए कि तू ठीक है कि नहीं. मम्मी भी ना, एक मिनट लेट हो जाओ तो हंगामा कर देती है. अरे सर, सपना आपकी एक स्टूडेंट, पहचाना आपने? ऑफ कोर्स. हाय सपना, एडमिशन हुआ तुम्हारा कॉलेज में? लेट आ गई. ये सर, नेक्स्ट वीक से जॉइनिंग है. ऑल द बेस्ट. आराम से चल. बस अच्छा हुआ तू आ गई, घर पर अकेली बोर ही हो जाती हूँ मैं. तेरे बैच में और स्टूडेंट्स नहीं है क्या? नेक्स्ट वीक आएंगे. कहीं बीच ना आए तो सर का ध्यान भटक जाएगा. मोहित यहाँ? तुम मेरा फोन क्यों उठा रही? इग्नोर कर रही हो मुझे? वो मैं पढ़ाई में थोड़ा बिजी थी. मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं एग्जाम के बाद तुम्हें पूरा टाइम दे दूँ. क्यों, अभी बात क्यों नहीं हो सकती? कोई और मिल गया क्या? कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो. डोंट टॉक टू मी. सुनाया, परेशान लग रही है. देखो, अगर पढ़ाई में ना लग रहा हो तो हम कुछ और भी कर सकते हैं. नो सर, आई एम फाइन. वेट, ये लो. अरे बैठो बैठो, तुम पी लो, अच्छा लगेगा. थैंक यू सर. गुड. तो सुनाया, मैंने तुम्हारे सारे वीडियोस देखे सोशल मीडिया वाले डांस के, कमाल का डांस करती हो तुम. अच्छा, मुझे भी कोई सिंपल स्टेप सिखाओगी? सीरियसली? क्यों, टीचर्स को डांस सीखने का हक नहीं होता है क्या? श्योर सर, मैं आपको एक सिंपल स्टेप सिखा देती हूँ. म्यूजिक.
सुनाया? क्या हुआ? आपने आपने क्या किया? कुछ तो नहीं हुआ है। कुछ हुआ है तो भूल जाओ उसे। देखो तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हारी जनरेशन को क्या फर्क पड़ता है। सो स्टॉप एक्टिंग, ओके? अब पागल हो गए क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं? अपनी जमीन पर जानबूझ के किया है ना? मैं पुलिस के पास जाऊंगी, मैं उनको सब सच बता दूंगी। चुप, एकदम चुप। किसी से कुछ नहीं कहोगी तुम। जरा सोचो तुम्हारी माँ का क्या होगा, आत्महत्या कर लेगी वो। तुम जानती हो मुझे, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है मेरा। बर्बाद कर दूंगा मैं तो, नाबूद करके नाबूद छोड़ दूंगा तुम्हारा। कपड़े पहन निकले ऐसे। सुन, किसी के सामने मुंह खोला ना, याद रखना मैंने जो कहा वो करके दिखाऊंगा। जा ऐसे। बेटा मुझे 2 दिन और लग जाएंगे। एक्चुअली मासी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो ठीक तो हो जाएंगी ना? भगवान से प्रार्थना करना कि वो ठीक हो जाए। आर यू ओके? तुम्हें कुछ हुआ है बेटा? नहीं मम्मा, आप आ जाओ फिर बताती हूँ। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो बेटा। कैसे बताऊँ माँ जो हुआ मेरे साथ, अभी तो मौसी भी सीरियस है। माँ वो बस सर में थोड़ा दर्द है। एक काम करो, बाहर ड्रॉवर में टैबलेट्स पड़े हैं वो खा लो और टाइम से सो जाना खाना खाके। ठीक है मम्मी। हेलो, तुम कहाँ हो यार? तुमने मेरा फिर से फोन नहीं उठाया। अरे क्या हुआ? अच्छा आई एम सॉरी यार, मेरा तुम्हें डिस्टर्ब करने का बिल्कुल इरादा नहीं था। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें अब कॉल नहीं करूँगा। सुनाया, तुम रो क्यों रही हो? मोहित, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अच्छा तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। श्नाया, उस विक्रांत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। श्नाया नहीं, उसने मुझे धमकी दी है, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। और माँ, माँ तो प्रॉमिस मी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, प्रॉमिस मी। ठीक है नहीं करूंगा, पर प्लीज तुम शांत हो जाओ। कोचिंग क्यों नहीं आ रही हो? तो याद है ना मैंने क्या कहा था? फोन काट दिया? ये ऐसा तो नहीं उसने किसी को, नहीं 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 ऐसा तो नहीं कर सकती वो, ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, क्योंकि आखिर उसे आना तो मेरे ही पास है एडमिशन के लिए। किसी से कुछ नहीं कहोगी तुम। जरा सोचो तुम्हारी माँ का क्या होगा, आत्महत्या कर लेगी वो।
शनाया क्या कर रही हो तुम? इतना सब कुछ हो गया, मैंने तुझे बोला था उस विक्रांत के पास मत जा, जानती थी वो क्या क्या कर सकता है। मतलब क्या लगता है मुझे दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन ऐसे मिल गया, उन्होंने मेरा भी रेप किया। मेरी हिम्मत नहीं हुई किसी को बताने की। मैं तुझे सब बता देना चाहती थी, उन्होंने मुझे धमकाया कि मेरी मम्मी सोसाइटी सब में मुझे बदनाम कर देंगे, इसलिए मैं चुप रही। मैं बहुत डर गई थी। अब क्या होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू घबरा मत, अब मिलके कुछ सोचते हैं, बस तू ये सब दोबारा मत करना। मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी। आंटी को आ रहे थे, मैं उनसे बात करती हूँ, तू रो मत ना प्लीज। नहीं सुनाया, मैं उस विक्रांत को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। किस तरह ला ला ला। कौन? सबसे पहले काम वाली बाई ने लाश को देखा है, वो बता रही है कि सुबह ही गांव से लौट के आई है। एक काम करो, आसपास के लोगों का भी बयान ले लो जल्दी। सर मैंने खून नहीं किया सर, हाँ मैं गुस्से में उसको मारने गया था, लेकिन सच में नहीं मारा, वो उसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ काम ही कुछ ऐसा किया था। काम? कैसा काम? सर उसने मेरी गर्लफ्रेंड का रेप किया था। कौन है तेरी गर्लफ्रेंड? सनाया। लेके चलो। Thank you.
अरे सर आप, क्या बात है? बात क्या है वो तो आप लोग बताओगे। चौबे, इसे तो पहचानती होगी ना? मोहित तुम, क्या हुआ है? आपके विक्रांत सर का मर्डर हो गया है। क्या? देखो मोहित ने मुझे सब कुछ बता दिया है, कैसे विक्रांत ने तुम्हारा फायदा उठाया और तुम परेशान होकर उसको जाकर मार दिया। हा? क्यों मारा? विक्रांत सर ने मेरे साथ गलत किया है, पर मैं किसी का खून नहीं कर सकती और ना ही मैंने मोहित को कहा किसी का खून करने। शनाया, हमारे पास सबूत है जो मर्डर के स्पॉट से मिला है। ये देखो, ये तो मम्मी का है। ये विक्रांत की लाश के पास मिला, ये तुम्हारा ही है ना? हाँ सर, ये मेरा है। अरेस्ट करो। रुकिए इंस्पेक्टर साहब। आप कौन? मैं शनाया की माँ हूँ। इंस्पेक्टर साहब, खून मैंने किया है। ये सब बेकसूर है। कल रात विक्रांत के घर मैं गई थी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम क्या? तुम तो मुझे भूल ही गए, सोचा मैं ही तुम्हें याद कर लूं। चलो आ जाओ अंदर। अच्छा हो तुम आ गई, वो तुमसे एक बात करनी थी मुझे। ये सुनाया ना, समझाओ इसको, पढ़ाई पे ध्यान दे। दो दिन हो गए क्लास नहीं आई है, वो फोन नहीं उठा रही है। अब ऐसे में कुछ नहीं होगा तो फिर मुझे मत बोलना। तो मैं यहाँ मेरी बेटी के लिए नहीं आई, मैं यहाँ अपने लिए आई। हाँ, ये चांद आज कहाँ से निकल आया? कोई बात, मैं सबकी सुनता हूँ, तुम्हारी भी सब सुनूंगा। सुनो, क्या 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 सुनाना चाहती? सुनाऊंगा। बोलो। आज तो तुम एकदम कयामत लग रही हो, तुम्हें तो मेरी याद भी नहीं आती। हो प्यारे गाल तुम्हारे, उफ़ होठ, सब मेरा है। आप भी ना, जरा सा भी सब्र नहीं करते। अच्छा तो आओ ना। मैं शनाया को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे बेस्ट कोचिंग में डालने का फैसला किया।
लेकिन उस हैवान ने मेरी बेटी के साथ भी वही किया जो मेरे साथ किया। रागिनी जी, देखिए आपके साथ और आपकी बेटी के साथ जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कानून अपने हाथ में ले लेंगे। आपको हमारे पास आना चाहिए था ना। अरेस्ट कीजिए। मम्मा, मम्मा, मम्मा।